हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेसिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे नीट अवतार सीरीज का फिजिकल केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है, ठीक है, थर्मोडाइनेमिक्स। इसके बाद हमारे पास बस क्या बचा हुआ मैं पूरा बता देता हूँ। एक केमिकल काइनेटिक्स की NCERT के क्वेश्चन बचे हुए हैं करने हैं अभी हमें, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हमें, और ये थर्मो, ठीक है, यही इतना बचा हुआ हमारे पास। आज इसको ये करते हैं और शाम में सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और कल तक पूरा एकदम फाइनल कर देंगे इसको। जितने भी क्वेश्चन वगैरह बचे हैं सब कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद 2-3 दिन का टाइम लूँगा, जो स्टडी वगैरह वीडियो वाले हैं वो मैं सारे शूट करूँगा। उसके बाद 10 या 11 तारीख से अपना फिजिक्स का रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नीट अवतार सीरीज, और 20 out of 20 फिजिकल केमिस्ट्री हमको लाना है, इस सीरीज को फॉलो करना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतनी गारंटी मेरी है। दूसरी चीज़, ये थर्मोडाइनेमिक्स है, अभी ये कहेगा थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री को जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये पूरा मैथ है, बस जोड़ घटाना प्लस माइनस ही करना है, पूरा मैथ है थर्मोकेमिस्ट्री। तो अगर तुम्हें इसको करना है, अच्छे से सीखना है, तुम्हें इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो जरूर देखना होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो जरूर देखना इसकी, ठीक है, उसमें सिखा दूंगा मैं कैसे करते हैं, ठीक। चलो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। सिस्टम देखो, 3 सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, यानी मास का और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज होता है। कोई चीज़ क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो मास तो बाहर जाएगी नहीं, बस एनर्जी जा सकती है, तो एनर्जी एक्सचेंज हुआ। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब क्या है, पूरी तरह से आइसोलेटेड है, यानी कि ना ही मास बाहर जाएगी ना ही एनर्जी, यानी कि नो एक्सचेंज। तो ओपन सिस्टम में जो बाउंड्री होती है, ना ही सील्ड होगी ना ही इंसुलेटेड होगी। क्लोज सिस्टम में सील्ड तो होगी बट इंसुलेटेड नहीं होगी, इसी वजह से क्या होता है, जो मास होता है वो तो नहीं जाता क्योंकि सील्ड होती है, लेकिन एनर्जी जो पार आर पार कर जाती है, इसकी वजह से एनर्जी हमारा एक्सचेंज होता है। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में बाउंड्री सील्ड भी होगी इंसुलेटेड भी होगी, ठीक है। यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं होगा ओपन सिस्टम में, क्योंकि मास बाहर पर निकलता रहेगा, मास और एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो मास निकलता रहेगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बाकी इसमें और इसमें दोनों में कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल देख लो ओपन सिस्टम का, कॉफी इन ओपन ग्लास, आर लिविंग सिस्टम, क्लासरूम, अर्थ, यानी अर्थ भी हमारा और हम लोग भी, लिविंग सिस्टम भी हमारा क्या, ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में कॉफी इन क्लोज वेसल, कॉफी को क्लोज वेसल में रख दोगे तो क्लोज सिस्टम बन गया। बल्ब जो ग्लो कर रहा है वो भी क्लोज सिस्टम है। सेटेलाइट इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में कोई सेटेलाइट घूम रहा है तो वो भी हमारा क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड में देखो, कॉफी इन थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क में रख दोगे कॉफी को तो ना ही ठंडा होता है ना ही कुछ मास कम होता है, तो क्या है वो, आइसोलेटेड सिस्टम है। जो हमारा यूनिवर्स है वो भी हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, और ये परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम होता है। तो इतना ध्यान रखना कि जो यूनिवर्स है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, जो सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो हमारा क्लोज सिस्टम है, जो अर्थ है हमारा ओपन सिस्टम है, ठीक है। सॉरी, अब दो तरह के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव, मैंने बोला था ना एडिशन नहीं कर सकते डाइट उसका, जैसे ई नॉट सेल, तो वही ये सेम चीज ये भी है। एग्जाम्पल देख लो कौन कौन सा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है मैटर के, ना साइज पे डिपेंड करता है ना मास पे। एक्सटेंसिव वाला मैटर पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे मास पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद रखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव तो बस यही 6-7 होता है, मोल्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम, मास। देखो पी वी का क्या होता है, NRT होता है ना, तो भी पी और टी को हटा दो, बाकी जो बचेंगे वो सारे एक्सटेंसिव हैं। देखो प्रेशर टेम्परेचर हमारे क्या होते हैं, इंटेंसिव। तो याद करने का तरीका देखो, ABCD PMGST, बस ऐसा। तो ABCD PMGST, ए से जितने कंसंट्रेशन टर्म होंगे, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, बी से बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के साथ फ्रीजिंग पॉइंट याद कर लेना, सी से सेल पोटेंशियल, डी से डेंसिटी, पी से प्रेशर pH, एम से मोलर वॉल्यूम, जी से गिब्स एनर्जी पर मोल। गिब्स एनर्जी पर मोल है, पर मोल अगर केवल गिब्स एनर्जी पूछेगा तो हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। अगर स्पेसिफिक तुमने कर दिया गिब्स एनर्जी, जैसे मान लो ये देखो क्या है, ये देखो इंट्रॉपी है, अगर तुमने लिख दिया इंट्रॉपी पर मोल, फिक्स कर दिया ना तुमने इंट्रॉपी पर मोल, तब तो कुछ भी करो, कुछ भी बढ़ाओ घटाओ कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर मोल इंट्रॉपी दिया हुआ है तो हमारा इंटेंसिव हो जाएगा। यानी तुमने अगर फिक्स कर दिया, पर मोल कर दिया, पर केजी कर दिया, कुछ भी कर दिया, फिक्स कर दिया, तो वो इंटेंसिव हो जाता है। तो गिब्स एनर्जी पर मोल हमारा क्या है, इंटेंसिव है, और गिब्स एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव है। स्पेसिफिक हीट, और टी से टेम्परेचर, और बी से लास्ट में याद रखना वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी, ठीक है ना। दो चीज़ होती है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो जो स्टेट फंक्शन होता है हमारा, वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ये नहीं डिपेंड करता कि किस पाथ से गया, किस मैकेनिज्म से गया। घर से स्कूल जाना है तुमको, घर से स्कूल जाना है, चाहे सीधे जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, कोई मतलब नहीं है, बस स्कूल पहुंचना है तुम्हें, तो ये हमारा होता है स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, तुमको घर से स्कूल जाना है, ठीक है, लेकिन किस पाथ से जाना है वो भी तुमको फॉलो करना है, डायरेक्ट सीधे पाथ से चले जाओ, वही लिखा है।
स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट और कभी भी डिपेंड नहीं करता पाथ और मैकेनिज्म पे, और पाथ फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे एज वेल एज आल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ और मैकेनिज्म फॉलोड, समझ गया ना। और देखो स्टेट फंक्शन मोस्टली जो कैपिटल लेटर वाले होते हैं वो सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, एनर्जी, हीट, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे। और जो छोटे लेटर वाले होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, पाथ फंक्शन, जैसे वर्क डन, हीट, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या होते हैं, छोटे लेटर से डिनोट करते हैं ना इसको, तो ये हमारे क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। ठीक, अब देखो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंडिकेट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव ले लो, जैसे मास और वॉल्यूम को जब रेशियो निकालोगे तो डेंसिटी आएगी, डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव होती है, समझ रहे हैं, यानी कि दो एक्सटेंसिव को रेशियो लोगे तो इंटेंसिव आएगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में करना है जब उसको डेफिनेट अमाउंट क्लियर कर दो, वही बताया हूँ ना। जैसे देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स हो गया ना, तो इसके वजह से डेंसिटी क्या होगी हमारी, क्या होगी बताओ, इंटेंसिव हो गई। मान लो लिखा है मास पर लीटर कर दो, पर लीटर मतलब क्या हो गया, फिक्स हो गया ना, पर मोल कर दो, फिक्स हो गया ना, तो क्या हुआ वो इंटेंसिव हो गया, वही बोल रहा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होते हैं, बताया था मैंने पहले ही, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो टोटल मास, टोटल ये हमारे एडिटिव है क्योंकि मास, मोल्स और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डी डी है, टी टी है, तो इसको डी डी टू टी नहीं लिख सकते क्योंकि ये रिमेन सेम रहेंगे, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी फिक्स रहते हैं, वो ऐड ही नहीं होते हैं, समझ गया ना। बता देता हूँ प्रोसेसेस में देख लो, प्रोसेसेस हमारे चार पांच प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, साइक्लिक। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जब जीरो होगा तो डेल्टा ई जीरो होगा, डेल्टा ई जीरो मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी, यानी आइसोथर्मल के कंडीशन में टी भी जीरो होगा, टी कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी जीरो होगा, एनर्जी जीरो होगा, डेल्टा एनर्जी जीरो होगा, डेल्टा एच जीरो होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। लेकिन जब तुम देखोगे कि कोई फेज ट्रांजिशन होगा, जैसे सॉलिड से लिक्विड, जैसे लिक्विड से गैस बन रहा है, तो लिक्विड से जब गैस बनेगा तो उसका टेम्परेचर फिक्स ही होता है, 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे ही बन रहा है, बट उस टाइम पे डेल्टा टी, तो हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी तो जीरो होगा, बट ना डेल्टा ई जीरो होगा, ना डेल्टा एच जीरो होगा, ठीक है ना, ना डेल्टा ई, डेल्टा ई मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी भी जीरो नहीं होगा, और एच भी, हीट अप, डेल्टा एच भी जीरो होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम होगा तो डेल्टा वी जीरो हो गया, डेल्टा वी अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा वी जीरो मतलब आइसोकोरिक। इसको पहचानने का तरीका, प्रेशर इन प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम, अगर किसी क्लोज सिस्टम में कोई काम हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है तो आइसोकोरिक ही होगा, जैसे किसी क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है ना, कंटेनर में है, फिक्स है, बैठा हुआ है, कंटेनर बंद है, तो कैसे होगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगा, तो इसके वजह से आइसोकोरिक हुआ। तो जब वर्कडन का फॉर्मूला मालूम है, माइनस पी डेल्टा वी, जब वॉल्यूम ही जीरो हो गया, डेल्टा वी जीरो हो गया, तो वर्कडन अपने आप जीरो हो गया, यानी कि आइसोकोरिक में डेल्टा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, और प्रेशर प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम होगा और वर्कडन जीरो हो जाएगा। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। डेल्टा डेल्टा मतलब क्या, दर्ज डेल्टा पी का मतलब क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अरे बाबू प्रेशर कांस्टेंट तो ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 होगा, जीरो हो गया। इसको पहचाने का तरीका, प्रोसेस इन ओपन सिस्टम, कोई प्रोसेस अगर ओपन सिस्टम में हो रहा है इसका मतलब क्या है, आइसो बारिक है। एडियाबैटिक देखो, एडियाबैटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, क्यू का वैल्यू जीरो होता है, सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, अगर थर्मली इंसुलेटेड लिखा है तो एडियाबैटिक है। साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम का रिमेन सेम होता है, साइक्लिक ही एकमात्र ऐसा प्रोसेस जहां सब कुछ जीरो होता है। चेंजेस इन ऑल स्टेट फंक्शन विल बी जीरो, डेल्टा ई जीरो, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा पी जीरो, डेल्टा टी जीरो, जितने स्टेट फंक्शन है कैपिटल लेटर वाले जितने होंगे वो सारे साइक्लिक प्रोसेस में क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, डेल्टा उनका चेंज जीरो होगा। उसका दो चीज़ आता है, रिवर्सल प्रोसेस, ई रिवर्सल प्रोसेस। रिवर्सल वाला स्लो होता है, जो फास्ट होता है, इसमें जो वर्क होता है एक्सपेंशन में मैक्सिमम होता है, और सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है हर एक स्टेट पे। रिवर्सिबल में इसको क्वासी स्टेटिक भी बोलते हैं। रिवर्सिबल में जो सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम होता है हर एक स्टेट पे, ई रिवर्सल में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। रिवर्सल में हर एक स्टेट पे, हर एक स्टेप पे, छोटे छोटे स्टेप में होता है ना, देखो टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप, और इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में हर एक स्टेप्स में क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट में ही इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और ये शॉर्ट टाइम में होता है। अगर ये इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है तो इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम भी लेगा कंप्लीट होने के लिए, और ये शॉर्ट टाइम में हो रहा है मतलब टाइम भी कम लेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, वो इनफाइनाइट सेमल ग्रेटर देन द अपोजिट फोर्स, यानी जो अपोजिंग फोर्स होता है उससे मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट लेवल का ज़्यादा होता है।
यहाँ पर तुम इसको कम नहीं बोल सकते, ये क्या होता है मच ग्रेटर बोल सकते हो, मतलब ये भी ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कम होता, मच ग्रेटर बोल सकते हो, ये इनफाइनाइट होता है, ये मच ग्रेटर होता है, ठीक है। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं सारे इरिवर्सिबल होते हैं, इतना ध्यान रखना, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है सारे इरिवर्सिबल होते हैं। पी एक्सटर्नल इक्वल टू होगा पी इन इनसाइड प्लस माइनस डी पी, ये भी वही होगा, लेकिन रिवर्सिबल में क्या होता है, जो पी एक्सटर्नल होता है वेरिएबल होता है, और ई रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल कांस्टेंट का। वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी होता है, जानते ही हो, रिवर्सिबल में क्या होता है पी एक्सटर्नल वेरिएबल होगा, वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, तो वर्क डन रिवर्सिबल क्या होगा, माइनस में बी वन से लेकर बी टू तक, वॉल्यूम वन से लेकर वॉल्यूम टू तक पी एक्सटर्नल डी बी बस, और ई रिवर्सिबल में डायरेक्ट अपना फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, बी टू माइनस बी वन, ये हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। एक कैलोरी का वैल्यू होता है 4.2 जूल, एक लीटर एटीएम का वैल्यू होता है 101.3 जूल, तो यहाँ से देखोगे कि एक लीटर एटीएम सबसे ज़्यादा होगा, फिर एक कैलोरी 4.2 जूल होगा, फिर ये जूल होगा, एक जूल में 10^7 अर्ग होता है, तो सबसे ज़्यादा ये जूल ज़्यादा होगा अर्ग से, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना। इंटरनल एनर्जी को यू से दिखाते हैं और ई से दिखाते हैं, तो इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन क्यों, क्योंकि कैपिटल लेटर में बात ही खत्म। डेल्टा यूज कर दो तो एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है, सी बी हमारा क्या होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी बी क्या होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी तुमको आगे बता अभी बताया होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। और किसी रिएक्शन के लिए लिखना है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जोड़ के जितना भी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो माइनस सिग्मा ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और डेल्टा ही निकालना, तो वही सेम चीज़ हमारा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, सबको पता है, ठीक। आगे बढ़ो, एनर्जी हो गई, ये देखो हीट इज इक्वल टू होता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी डेल्टा टी, सी हमारा क्या हीट कैपेसिटी, तुमसे पूछेगा सी का हीट कैपेसिटी क्या बताओ, तो क्यू डेल्टा टी हो जाएगा, क्यू हमारा क्या हीट है, हीट को तुम क्या लिख सकते हो, कैलरी में लिखो या कुछ भी लिखो, कैलरी पर कैलोरी लिखो, जूल पर कैलोरी लिखो, कुछ भी लिखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्यू इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी लिख सकते हो, एन क्यू क्योंकि नंबर मोल्स है, सी एम क्यू मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी लिखना है तुमको तो एन से मल्टीप्लाई करो, और तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है मास से मल्टीप्लाई करो, समझ गया ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास से मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन सी एम डेल्टा टी, और क्यू इक्वल टू हो जाएगा एम एस डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो डेल्टा ई हमारा होगा क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी कि जो चेंज इन एनर्जी होगा वो क्यू और डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी कि जो हम लोग हीट देंगे उसके और वर्क डन के बराबर होगा। तो हमें एक चीज़ दिख रही होगी कि दोनों क्यू और डब्ल्यू दोनों क्या है बाद फंक्शन है, लेकिन डेल्टा ई क्या स्टेट फंक्शन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड होता है, अगर तुम वर्क डन करोगे ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कोई काम करोगे, जैसे मान लो कहा 10 जूल का काम हुआ सिस्टम पे तो पॉजिटिव लेंगे प्लस 10 लेंगे, लेकिन अगर होगा कि सिस्टम ने 10 जूल का काम किया तो माइनस लेंगे, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है बाय द सिस्टम निगेटिव होता है, वर्क डन टू द सिस्टम हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, यानी कि जो भी हम लोग हीट देंगे सिस्टम को वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम अगर हम मेरे पास है, देखो मुझे कुछ दोगे तो मैं तो पॉजिटिव में आ रहा हूँ, अगर मुझसे ही निकाल दो, जैसे मान लो मैं सिस्टम हूँ, ठीक हो, तो मेरे ऊपर कोई अगर काम करेगा उसका वैल्यू पॉजिटिव लेगा, ठीक है, और मैं अगर कोई काम करूँगा तो मेरी एनर्जी लॉस होगी यानी निगेटिव में लूंगा। मुझे अगर कोई हीट दे रहा है, मुझे कोई अगर पैसा देगा तो मैं तो प्लस में जा रहा हूँ, मुझे कोई हीट देगा तो मैं प्लस में हूँ, और मुझसे अगर हीट निकालेगा, मुझसे कोई पैसा लेगा तो मैं माइनस में जा रहा हूँ, तो वही सेम चीज़ है। तो वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा, डेल्टा एच जीरो होगा, तो यू इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो यू जीरो हो गया तो क्यू इक्वल टू क्या होगा माइनस डब्ल्यू हो गया, बस बात खत्म। आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जब जीरो हो गया तो भाई वर्क डन तो जीरो होना ही, वर्क डन तो जीरो होगा ही, जाना ही नहीं उधर कहीं, क्योंकि वर्क डन क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक। आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कर दो, बी टू माइनस बी वन, फ्री एक्सपेंशन में सब जीरो होता है, अभी बताया हूँ, पी एक्सटर्नल जीरो, डब्ल्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, क्यू जीरो, सब जीरो, फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो होता है। और साइक्लिक में जितने भी स्टेट फंक्शन वाले हैं डेल्टा ई, डेल्टा पी, डेल्टा जितने भी हैं सारे जीरो होंगे, ठीक है, और फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो होता है। और देखो आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये दोनों हीट क्या होता है, देखो हीट हमारा क्या है, हीट हमारा क्या है पाथ फंक्शन है, लेकिन आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस में हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे। यानी कि क्या बोला मैंने कि आइसोकोरिक आइसोबारिक प्रोसेस में हीट जो है इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, हीट इज अ पाथ फंक्शन बट नॉट इन द केस ऑफ आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक, ठीक है।
अब देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, इसमें अगर तुमसे वर्ड एन पूछ लेगा, वर्ड एन का फॉर्मला क्या होता है, माइनस में एन आर टी एल एन बी टू बाई बी वन इजकल टू माइनस में एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, इसको तुम लिख सकते हो डायरेक्ट, याद रखना, माइनस में 2.3 यू 3 एन आर टी लॉग बेस 10 बी टू बाई बी वन, अरे भाई एल एन को मैंने कर दिया माइनस में 2.3 यू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कन्वर्ट हो गया लॉग बेस 10 में, लॉग बेस 10 की वैल्यू तुम्हें याद होती है, एल एन की वैल्यू थोड़ी नहीं याद है, तो माइनस में 2.3 यू 3 एन आर टी लॉग बेस 10 बी टू बाई बी वन इजक्वल टू माइनस में 2.3 यू 3 एन आर टी लॉग बेस 10 पी वन बाई पी टू, ये हमारा हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ई रिवर्सिबल आइसोथर्मल पूछेगा तो अभी देखो तुम्हारा यहीं से काम चलेगा, यही पूछा जाता है 99.99% यही पूछा जाता है, ये फॉर्मूला याद रखना कि बी टू बी वन में क्या चेंज हो रहा है, मान लो क्या है बी टू चार गुना हो गया तो बता दो वर्क डन कितना होगा, रिवर्स वाला जो थर्मल प्रोसेस ले जाएगा तो अपना सॉल्व कर लेना। ई रिवर्स वाला जो थर्मल में माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, पी बीच कर लू क्या होता बाबू एन आर टी होता है तो बीच कर लू क्या हो एन आर टी बाई पी, तो देखो वही लिखा है यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी अपन पी टू माइनस एन आर टी अपन पी वन वर्क डन कर लू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, या तो डायरेक्ट निकालो यहाँ से ये याद है तो यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस ये क्या है बी ई लिखा गया है एन आर टी आइडियल इक्वेशन पी बीच कटो एन आर टी बीच कटो एन आर टी बाई पी, बस एडियाबेटिक देखो एडियाबेटिक में क्यू का वैल्यू जीरो होगा, हीट एक्सचेंज जीरो होगा, तो क्यू जब जीरो होगा तो यूज कल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, जब यू क्यू जीरो होगा तो यूज कल टू क्या होगा डब्ल्यू हो गया, और यू का वैल्यू को मालूम क्या एन सी बी डेल्टा टी स्टार्टिंग में बढ़ाया था मैंने, और वर्क डन क्या होता है एडियाबेटिक में पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपन गामा माइनस वन और इज इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन अपन गामा माइनस वन, ठीक एन आर डेल्टा टी अपन गामा माइनस वन और पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपन गामा माइनस वन, जहाँ पे गामा क्या है सी पी अपन सी बी है और सी पी माइनस सी बी इक्वल टू होता है आर, आर हमारा ये हमारा क्या है मेयर्स फॉर्मूला है और सी पी क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट पी है और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है सी पी, तो वाई इक्वल टू सी पी अपन सी बी होता है इसको बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो और सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है मेयर्स फॉर्मूला, और यहाँ पे देखो एक चीज़ है ना वर्क भी हमारा क्या होता है पाथ फंक्शन, लेकिन 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 इन केस ऑफ एडियाबेटिक वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वहाँ दोनों पे क्या था आइसोकोरिक आइसोबारिक में क्या था हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था, एडियाबेटिक में वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और सी बी एफ आर बाई टू होता है, सी पी हमेशा सी बी से ज़्यादा ही होता है, एफ हमारा क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये भी इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, तुम्हें मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि तुम्हें मैं पहले स्टेट ऑफ मैटर करा देता हूँ वहाँ पे अच्छे से पढ़ा दें, लेकिन लोगों ने बोला कि डिलीटेड है डिलीटेड, मैंने उसको वहाँ पे एफआर वगैरह के बारे में फ्रीडम के बारे में नहीं बताया, ये तुम्हें बताया जाएगा कहाँ पे, ये तुम्हें बताया जाएगा फिजिक्स में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज में, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मोनो डाया ट्राया, अभी तो क्वेश्चन में तुमको ये सब आएगा नहीं अभी, बस ना देखो सी बी स्कूल एफ आर बाई टू होता क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो दिया रहेगा, ठीक। इनथैल्पी, इनथैल्पी को ऐसे दिखाते हैं, अच्छा हमारा क्या है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है इजिकल टू ई प्लस पी बी, यानी कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी बी, ठीक है। और एंथैल्पी क्या है स्टेट फंक्शन है पहली चीज, दूसरी चीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक कांस्टेंट प्रेशर पे ही लिखते हैं, एंथैल्पी को हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे ही लिखते हैं, ध्यान रखना। तो डेल्टा एच इजकल टू एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच इजकल टू क्यू पी लिख सकते हो ना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वही तो है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वही तो है, ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्लस तो डेल्टा एच इजकल टू क्यू पी, यानी कि एन सी पी डेल्टा टी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही तो होता है डेल्टा एच, ये तो लिखा हुआ यहाँ पे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इजकल टू एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, वही चीज़ तुमसे पूछेगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब पूछेगा तुम्हें, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एन सी बी दिखा रहा हूँ, एन सी बी डेल्टा टी, ये क्या है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही होता है, समझ गया ना। तो हीट इजकल टू एन सी पी डेल्टा टी, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, हाँ जो जरूरी है वो देखो एच इजकल टू ई प्लस पी भी होता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो पी को कांस्टेंट रखो डेल्टा भी कर दो, ई प्लस पी डेल्टा भी, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एच इजकल टू ई वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो डेल्टा भी कर दो, एच डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि पी इजकल टू क्या होता है एन आर टी होता है ना, पी इजकल टू पी बी क्या रख दो डेल्टा एन जी आर टी रख दो, तो डेल्टा एच को क्यू पी लिख सकते हो क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, डेल्टा ई को लिख सकते हो क्यू भी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डेल्टा एन जी आर टी यानी कि डेल्टा एन जी आर टी को ऐसे रख दो, तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और उसको लिख सकते हो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी, समझ आया। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो डेल्टा एच डेल्टा ई बराबर होंगे, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है डेल्टा एच ज़्यादा होगा डेल्टा ई से, विद साइन लिखते हैं, ठीक है, विद साइन कैसे लिखते हैं मैं सिखा दूंगा तुम्हें, और डेल्टा एन जी अगर लेस देन जीरो है तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है, तीनों का चीज़ों को याद रखना, डेल्टा एन जी जीरो है तो दोनों बराबर होंगे, ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा एच ज़्यादा हो जाएगा, लेस देन जीरो है तो डेल्टा एच कम हो जाएगा,
आगे बढ़ो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है हमें कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है। इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो हीट किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे ये भी बोलता है कि जो सिस्टम का डेल्टा एस होगा प्लस सराउंडिंग का डेल्टा एस होगा वो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स के बराबर होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स के बराबर होगा। ऐसा हमारे क्या एंट्रोपी होता है। तो अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो है इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, पॉजिटिव है यानी स्पॉन्टेनियस। देखो डेल्टा जी अगर निगेटिव होता है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस। उल्टा चल रहा है ना, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ई सेल पॉजिटिव होता है तब हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस। तो यूनिवर्स में डेल्टा एस अगर पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, निगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं और ई रिवर्सल होते हैं, अभी बताया था ई रिवर्सल होते हैं। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जैसे कोई झरना है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक, कोई वाटरफॉल है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या है कि तुम उसको अपोजिट में भेज रहे हो, उसको अपोजिट में भेज रहे हो। जैसे कोई डैम लगा दिया तुमने, नीचे से ऊपर कहीं पानी भेज रहे हो, मतलब किसी मैन मेड यूज करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे हो, समझ रहे हो ना, अपोजिट काम करा रहे हो, ठीक है, एनर्जी वगैरह लगा के। तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इंट्रॉपी, इंट्रॉपी स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंट्रॉपी बड़ा लेटर आ गया तुरंत समझा स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस बताता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है क्यू रिवोल्यूशन, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू का मतलब क्या, हीट जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन इसका यूनिट हो गया, ठीक है। गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का, गैस का सबसे ज्यादा होगा। रेंडमनेस मतलब क्या, जिसमें दूरी हो, जिसमें ज्यादा ज्यादा दूरी हो गैस का पार्टिकल के बीच में, दूरी किसमें ज्यादा होगी, गैस में, तो गैस में ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो इंट्रॉपी गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। टेम्परेचर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो इंट्रॉपी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाओगे तो इंट्रॉपी घटेगी। वही सेम कांसेप्ट है ली चैटरियस वाला। ली चैटरियस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि टेम्परेचर में और एन में कुछ भी बढ़ाओगे, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, लेकिन अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है प्रेशर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। वही सेम कांसेप्ट है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे इंट्रॉपी घटेगी। देखो सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस का कॉम्बिनेशन है, एंट्रॉपी बढ़ेगी। सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड गैस हो गया, गैस सॉलिड हो गया, एंट्रॉपी घटेगी, कोई दिक्कत नहीं, इतना ध्यान रखना। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो आएगा, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो डेल्टा एस लेस देन जीरो। डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा लेस देन जीरो आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एंट्रॉपी किसी केमिकल रिएक्शन का एंट्रॉपी लिखोगे तो डेल्टा एस इक्वल टू सिग्मा प्रोडक्ट माइनस सिग्मा रिएक्टेंट। जैसे एनर्जी का लिखते हो ई फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। रस्टिंग ऑफ आयरन में और बॉइलिंग ऑफ एग में एंट्रॉपी बढ़ जाती है, ध्यान रखना। रबर को स्ट्रेच करो तो ये मत सोचना पहले इतना था अभी स्ट्रेच करके इतना कर दिया तो हमारे पास एंट्रॉपी बढ़ जाएगी, एंट्रॉपी घट जाएगी क्योंकि जो रैंडमनेस होती है वो घट जाती है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में एंट्रॉपी घट जाएगी। ग्रेफाइट का एंट्रॉपी डायमंड से ज़्यादा होता है। अगर तुम डिसोल्यूशन करोगे तो एंट्रॉपी बढ़ेगी, कहीं पर प्रेसिपिटेशन होगा तो एंट्रॉपी घटेगी। तो अगर डिसोल्यूशन में एंट्रॉपी बढ़ती है, प्रेसिपिटेशन में एंट्रॉपी घटती है। जैसे डिसोल्यूशन में H4+Cl है, HCl में ये हो जाएगा। डेल्टा एस पॉजिटिव है स्पॉन्टेनियस, निगेटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम पे। एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे। अब देखो एंट्रॉपी के लिए फॉर्मूला होता है, एक चीज याद रखना, डेल्टा एस इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सल बाई टी, जानते हो। डेल्टा एस इक्वल टू होगा एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन एन आर एल एन बी टू बाई वी वन, इसको बस याद रखना, एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू बाई वी वन, इसी को लिख सकते हो। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, कांस्टेंट प्रेशर पर लिखो, प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन एन आर एल एन पी वन बाई पी टू हो जाएगा ना, क्योंकि पी बीच का लू क्या होता है एन आर टी। तो जहाँ पे पहले टी वन, जहाँ पे पहले क्या था, देखो पी भी कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर इनवर्सली पोस्ट वॉल्यूम होगा, तो जहाँ पे पी वन अपन पी टू था वहाँ पे बी टू अपन बी वन होगा, तो बी टू अपन बी वन की जगह क्या हो जाएगा, पी वन अपन पी टू। बस एक फॉर्मूला याद रखो इसमें से कोई एक, एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू बाई बी वन कर लो, और बस सेकंड में लिखना तो बी टू बाई बी वन में पी वन बाई पी टू कर देना। देखो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, तो इसको हटा दो, तो बचेगा क्या एन आर एल एन बी टू बाई बी वन या एन आर एल एन पी वन बाई पी टू, इसको हटा दो, ठीक है। इसको 2.303 से मल्टीप्लाई, ये देखो प्लस में होता है, वहाँ पे वर्क डन रिवर्सल में क्या था माइनस में था, ये प्लस में था, तो वर्क डन डेल्टा एस क्या हो जाएगा माइनस 2.303 एन आर लॉग बी टू बाई बी वन या पी वन बाई पी टू। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसको हटाओ, इसको हटाओ दोनों को, इस वॉल्यूम को हटाओ, तो एन सी बी एल एन टी टू आई टी वन हो जाएगा, एन 2.303 एन सी बी लॉग टी टू आई टी वन हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें एंट्रॉपी, चेंज इन एंट्रॉपी जीरो होगा, एंट्रॉपी कांस्टेंट होगा, चेंज इन एंट्रॉपी जीरो होगा, एंट्रॉपी रिमेंस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आइसो एंट्रॉपिक प्रोसेस।
और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में डेल्टा एस कभी भी जीरो नहीं होता। रिवर्सिबल एडियाबेटिक में डेल्टा एस जीरो होता है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में डेल्टा एस जीरो नहीं होता, इतना जानना ठीक है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, तो क्यू रिवर्सिबल किसका रख दोगे, हीट का रख दोगे, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन तो हीट ही तो है। वेपराइजेशन में डेल्टा एस वेपर रख दो, सब्लिमेशन में डेल्टा एस सब्लिमेशन लिख दो बस। गिब्स एनर्जी कहता है कि जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेल्टा जी इक्वल टू होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, वहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या होता है, के इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस में 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, यहाँ से के इक्विलिब्रियम आएगा तो ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ये सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी इन डिटेल पढ़ चुके हैं ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी सेम टू सेम चीज पढ़ाया था। डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस बराबर जीरो, इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस में आर टी एल एन के, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या माइनस में आर टी एल एन के, कोई दिक्कत, अरे यही चीज़ है यार माइनस में आर टी एल एन के यही चीज़ तो है। इक्विलिब्रियम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटा दो। ये देखो डेल्टा जी जो सिस्टम का होता है माइनस में टी डेल्टा एस टोटल होता है, और एक चीज़ याद रखना ये, और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी एस जो होगा ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी एस जो होगा लेस देन टी इक्विलिब्रियम होगा। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो टी एस ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगा तो टी एस लेस देन टी इक्विलिब्रियम होना ही होना है। अब देखो अगर डेल्टा एच डेल्टा जी इसको ऐसे याद रखना, अगर तीनों नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, तीनों पॉजिटिव है तो लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ठीक है। तो तीनों नेगेटिव लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, तीनों पॉजिटिव लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस ठीक है। माइनस प्लस अगर हुआ तो डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा सारे टेम्परेचर पे ठीक है, माइनस प्लस माइनस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा सारे टेम्परेचर पे, लेकिन यही उल्टा कर दोगे प्लस माइनस पे तो प्लस आ गया, प्लस मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिएक्शन जो होगा सारे टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो तीन चीज़ मैंने तुम्हें याद कर दिया, चार चीज़, एक दो तीन चार। अब देखो उसका उल्टा है, माइनस 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 था तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा था, अब माइनस माइनस अगर प्लस आ गया तो पहली चीज़ की नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ठीक है, और कहाँ होगा हाई टेम्परेचर पे। यहाँ देखो प्लस 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 था तो लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस था, लेकिन प्लस प्लस माइनस हो गया तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। चार तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, और दो को उसे हम लोग डिराइव करके मतलब उसे कनेक्ट करके याद कर लेते हैं। तो चार ही मैक्सिमम केस में चार ही होता है, लो टेम्परेचर वाला और हाई सारे टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर वाला ये लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा सारे टेम्परेचर पे, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा सारे टेम्परेचर पे। डिसोसिएशन में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जानते हो कंबसन हमेशा क्या होता है स्पॉन्टेनियस होता है। किसी भी रिवर्सल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस एंट्रोपी जीरो होती है, लेकिन ई रिवर्सल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है हमेशा, टी वन ग्रेटर देन टी टू डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन में देखो डेल्टा एन जी, तो अगर डेल्टा एन जी निगेटिव आएगा इसका मतलब क्या आएगा, डेल्टा एस निगेटिव आएगा, निगेटिव का मतलब क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन जो डेल्टा एन जी ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है उसमें डेल्टा एन जी निगेटिव होता है बट वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन Fe3O2 टू Fe2O3, ये सॉलिड इसको लिखेंगे नहीं, दो में से तीन जाए, ये देखो गलती लिख दिया, दो में से तीन जाए माइनस एक हो, लेकिन क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इतना ध्यान रखना ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी चीज़ें बताया हूँ इतना अगर कर लेगा तो कुछ बचना उचना है नहीं ठीक है। ये मेडिकल होली का भी हमारा चैनल का नाम है, इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये टेलीग्राम PDF वगैरह के लिए, नोट्स के लिए और भी किसी लिंक के लिए यहाँ पे आओ, डाउट पूछना है यहाँ पे आओ ठीक है, मुझे मेंशन करके डाउट पूछो, तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूंगा ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री इन डिटेल सेकेंड पार्ट में क्यों करना है यही करेंगे ठीक है। देखो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, वीडियो लेंदी हो जाएगी क्योंकि ये भी पढ़ा रहा हूँ। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है डेल्टा एस पॉजिटिव, एक्जो में डेल्टा एस नेगेटिव। एंडोथर्मिक में फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन होंगे, डिसोसिएशन वाले रिएक्शन होंगे, फ्यूजन होगा, सब्लिमेशन होगा, वेपराइजेशन होंगे, सारे रिएक्शन होंगे, और इसमें मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। एक्सोथर्मिक क्या होगा, लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, रेस्पिरेशन होगा, कंबसन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन रिएक्शन बोथ एक्जो और इंडो दोनों होता है, क्योंकि फॉर्मेशन देखो एक्जो में होता है लेकिन ये सारे एक्सेप्शन है, OF2, O2, F2, CH2, NCl3, NO, N2O, NO2, N2O4, ये सारे इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसको ध्यान रखना। अगर पूछेगा हीट अप रिएक्शन इंडो और एक्जो तो बोलोगे बोथ, इंडो भी होता है एक्जो भी होता है, एंडो इन द केस ऑफ OF2, O2, F2, CH2, NCl3, NO, N2O, NO2, N2O4 ठीक। बाइंडिंग एनर्जी एवरेज पूछेगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बिताल द बॉन्ड अपन नंबर ऑफ डिसोसिएशन कर दो, बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। जैसे H2O होता ना, H2O में ऐसे बनाओगे तो ये पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, तो कहोगे OH ये भी है, OH ये भी है, तो लेकिन एनर्जी दोनों का बराबर नहीं होगा,
OH, इसका OH का एनर्जी इसके OH का एनर्जी से दूसरा होगा, इक्वल नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इंडो का ग्राफ जानते ही हो, डेल्टा एच पॉजिटिव कब आएगा, जब ये डेल्टा एच पॉजिटिव का एच पी माइनस एच आर, यानी एच पी हमारा ऊपर रहेगा, एच पी माइनस एच आर पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे एक जो का ग्राफ है बता चुका हूँ, रिप्रेजेंटेशन देख लो, ए प्लस बी अगर एक्स कैलोरी रिएक्टेंट में ही प्लस एक्स कैलोरी लिखा है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट को इधर चेंज करोगे तो माइनस एक्स कैलोरी लिखा है, प्रोडक्ट में लिखा है देखो रिएक्टेंट में प्लस एक्स कैलोरी इसका मतलब इंडो है, प्रोडक्ट में माइनस एक्स कैलोरी इसका मतलब इंडो है, डेल्टा एच पूरा लिखा है, डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है तो हमारा इंडो है। एक जो में क्या होगा, माइनस एक्स कैलोरी लिख दिया रिएक्टेंट में, प्लस एक्स लिख दिया प्रोडक्ट में, और डेल्टा एच निगेटिव लिख दिया तो हमारा एक जो है, समझ गया ना। अब देखो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस, हमेशा याद रखना हीट ऑफ रिएक्शन किससे लिखते हो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो तुमसे अगर कहे इसमें कौन सा हीट ऑफ रिएक्शन है, देखो रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, H2O2 2H2O होगा, तो ये हमारा हीट ऑफ रिएक्शन नहीं है, H2O2 H2O2 ये हमारा बैलेंस है, तो बैलेंस रिएक्शन के लिए लिखते हैं, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच और कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई, कई बार बता चुका हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई, तो बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए हीट ऑफ एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए। हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ एंथैल्पी को कौन अफेक्ट करता है, सबसे पहले रिएक्शन का कंडीशन, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो क्यू पी हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्यू भी हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, अगर मान लो पहले मान लो एक्स था तो 10 था, अब 2x होगा तो 20 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिजिकल स्टेट, लिक्विड का अलग होता है, गैस का अलग होता है हीट ऑफ रिएक्शन। एलेक्ट्रोपिक फॉर्म, जैसे ग्रेफाइट का अलग होगा, डायमंड का अलग होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए जो टेम्परेचर के लिए होता है क्लासियस इक्वेशन, किरचॉफ का इक्वेशन होता है, किरचॉफ का इक्वेशन कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा जो H2 यानी टेम्परेचर, यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन है टेम्परेचर 2 T2 टेम्परेचर माइनस हीट ऑफ रिएक्शन है T1 टेम्परेचर अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CPM, यानी कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H2 अपॉन T2 माइनस T1, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ET2 माइनस डेल्टा ET1 अपॉन T2 माइनस T1 इसको डेल्टा CPM, यानी डेल्टा CPM क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पता ही है कई बार से मैं प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटा ही रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इतना बस याद रखना कि डेल्टा ST2 माइनस डेल्टा ST1 अपॉन T2 माइनस T1 और यहाँ पे डेल्टा ET2, क्योंकि डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और डेल्टा ई कब लिखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बस ये हमारा टेम्परेचर का डिपेंडेंसी होता है। रेजोनेंस एनर्जी कहता है कि जो डेल्टा एच होगा रेजोनेंस का, वो हीट ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल होगा माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ कैलकुलेटेड होगा, तो एक्सपेरिमेंटल दिया होता है और ये कैलकुलेट करना पड़ता है, वो मैं तुम्हें क्वेश्चन में सिखा दूंगा कैसे करते हैं, बस अभी फॉर्मूला याद रखो। हीट ऑफ रिएक्शन में कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला टाइप होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कब लिखते हैं, जब मोस्ट अबुंडेंट नेचुरल अकरिंग फॉर्म में हो या स्टैंडर्ड स्टेट में हो या स्टेबल स्टेट में हो, उसको बोलते हैं रेफरेंस स्टेट बोलते हैं, उस स्टेट में कोई होगा तो वहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। और कितना मोल होगा, एक मोल होना चाहिए, एक मोल होना चाहिए, जैसे ये देखो H2 है, हाफ O2 है, H2O है, लिक्विड है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, सही है, H2 है, हाफ N2 है, 3YO2O2 है, HNO3, क्योंकि देखो एक ही मोल बन रहा है ना, एक ही मोल रहा, वेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक मोल सब्सटेंस बनना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे दो मोल बनाओगे, अगर तुमने यहाँ पे दो मोल बनाया तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, एक मोल बनना चाहिए और स्टैंडर्ड स्टेट बनना चाहिए, जैसे कार्बन डायमंड से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, कार्बन ग्रेफाइट से ही होना चाहिए, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, 1 ATM 25 डिग्री सेल्सियस 298 कोई कंडीशन नहीं है तो डेल्टा एच नॉट मान लेंगे। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन 0, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है उसको जीरो लेते हैं, किस किस केस में, जब स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, जैसे कार्बन का स्टैंडर्ड ग्रेफाइट होता है, सल्फर का एसरोम्बिक होगा एसेट होगा, फॉस्फोरस का P4 होगा, ऑक्सीजन का O2 H2 Br2, मेटल का M होता है इन सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में अगर Hg भी लिखा हुआ तो उसका भी जीरो मान लेते हैं। अगर तुमको लिखा है Hg इन सॉलिड तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा ही नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में ही होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में ही होता है और फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो रिएक्शन ये क्या होता है, एक्जोथर्मिक भी होता है, एंडोथर्मिक भी होता है और स्टेबिलिटी के लिए यूज कर लेते हैं। हीट ऑफ कंबसन क्या होता है, जब एक मोल को जलाओगे एक्सेसिव, देखो एक मोल, ठीक है, लेकिन ये तुम देख रहे हो एक मोल को जलाने के बाद कंप्लीटली बंद हो रहा है एक्सेसिव ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो एक मोल जलाया, हीट ऑफ कंबसन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है, कोई दिक्कत नहीं, एक मोल जलाया, हीट ऑफ कंबसन है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन में डायमंड नहीं लोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए ग्रेफाइट चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए, ठीक है। ये है वन मोल है, वन ओ टू है, सी ओ टू है, हीट ऑफ कंबसन है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं है बताओ, तो
हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि CO और हाफ ओ टू ये कोई रिएक्शन होती है क्या? हाँ बताओ, CO2 हीट ऑफ कम्बसन, हीट ऑफ फॉर्मेशन है ही नहीं। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए सिंपल सी फॉर्मूला है, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए और एक मोल के लिए होना चाहिए, एक ही मोल हमारे पास बनना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक मोल बनाया, CO को देख लो, हमने एक मोल हमने यहाँ बना दिया, कहाँ गया हमने, क्यों यार, ये देखो हीट ऑफ कम्बसन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। एक ही मोल सब्सटेंस चाहिए और अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। हीट ऑफ कम्बसन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। देखो ये मतलब याद करने वाली चीज़ें हैं तो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है मैं कुछ तुम्हें आगे चूना खिला दूंगा या मतलब जादू मंत्र मार दूंगा तुम्हें चीज़ें हो जाएंगी, तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, याद करने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं सिखाऊंगा तुम्हें, मैं तो तुम्हें प्लस माइनस आता है, तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे। हीट ऑफ कम्बसन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, कुछ नहीं दिया डेल्टा एच कम्बसन मान लो, हीट ऑफ कम्बसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस, एक चीज़ देखा तुमने, अभी तक हम लोग प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट हटा रहे थे, लेकिन हीट ऑफ कम्बसन एकमात्र ऐसा चीज़ है जहाँ पे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाते हैं, जितना ध्यान रखना, ठीक है। ये भी होता है और बॉन्ड इनथैल्पी, यही दोनों बस एक ऐसे दोनों चीज़ें हैं जहाँ पे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाते हैं, अभी वो भी आ गया है। तो कम्बसन में रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाएंगे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? डेल्टा हीट ऑफ कम्बसन अपन मोलर मास। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? डेल्टा हीट ऑफ कम्बसन अपन मोलर मास, बस फॉर्मूला याद रखो हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? जब एक इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और एक इक्विवेलेंट ऑफ बेस जब डायल्यूट सोल्यूशन में होते हैं तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी एक इक्विवेलेंट एसिड और इक्विवेलेंट बेस हो तो वो हमारा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो। एसिड बेस में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है, पानी बन जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा, तुम्हें दिख रहा होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका आंसर आएगा -13.7 माइनस किलो, -13.7 किलो कैलरी, उसको जूल में करो तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 57.2 केजी पर इक्विवेलेंट। तो देख लो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट एक बनेगा, दो 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 बना, दो तीन 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 बना, चार 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 बना, देखो यहाँ पे चार था, ठीक है, यहाँ पे पाँच था, तो यहाँ पर भी चार ही बनेगा ना, चार से चार रिएक्ट करेगा, एक तो खत्म हो जाएगा, एक तो बच जाएगा, तो चार से चार ही रिएक्ट करेगा तो चार इक्विवेलेंट बनेगा, पांच था, तीन से तीन ही रिएक्ट करेगा, तीन ही बनेगा, समझ गए ना। यही तो बोला हूँ, अगर मोनोबेसिक या मोनोसिडिक है, एन का वैल्यू वन ना हो तो -13.7 × n फैक्टर करते हैं, यही तो किया गया यहाँ पे, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तीन से कर दिया। और लेकिन अगर दोनों कंसंट्रेशन गिवन है तो LR का कॉन्सेप्ट यूज करो, लिमिटिंग रेजिएंट का, जो कम होगा उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा, ऑलरेडी बताई जा चुकी है। लेकिन देखो अगर किसी एसिड या बेस को या दोनों को तुमने वीक कर दिया तो कम हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? -13.7 या -57.3 से कम आ जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? HF के केस में, HF हमारा क्या है? वीक एसिड है, लेकिन इसके केस में क्या होता है? बढ़ जाता है, -16.7 किलो कैलोरी आ जाता है। यहाँ पे -13.7 था, यहाँ पे -16.7 किलो कैलोरी आ जाता है, बीच साइन है ना, साइन लेना पड़ता है, साइन को हटा दो पहले, इसमें देखो -13 था 16 हो गया, बीच साइन बढ़ना है, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? एल्किन को तोड़ के एल्किन बना देते हैं, तो वही चीज़ है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में तोड़ दो, जैसे C2H2 है, एक मोल होना चाहिए, एक मोल होना चाहिए, देखो C2H2 है इसको तोड़ दिया C2H6 में है, C2H2 है इसको तोड़ दिया C2H6 में, ये देखो एल्काइन था, ये क्या है? एल्किन है, एल्किन तो नहीं होगा ना, अभी भी अनसैचुरेटेड है, एल्केन बनता तब होता, यहाँ देखो C2H4 है, C2H6 है, ये देखो होगा क्योंकि एल्केन बन गया, और हमेशा एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है। एटमाइजेशन मतलब क्या होता है? एटम बना दो, जितने भी मॉलिक्यूल हैं एक मोल सब्सटेंस को एटम बना दो, हाफ एस टू है, 1 ग्राम है, गलत हो गया क्योंकि एक मोल चाहिए, ये तो आधा मोल है, ये देखो एक मोल है, ये बना दो सही है, आधा मोल हो गया खत्म, देखो एक मोल है सही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। एक मोल सब्सटेंस को गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दो। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन जानते ही हो यार क्या होता है, इंडोथर्मिक 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 होगा, सॉलिड से लिक्विड बनाओ, लिक्विड से गैस बनाओ, तीनों इंडो होता है, पहला चीज़ तो याद हो गया। दूसरा चीज़ इंडो हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होगा? एक मोल सॉलिड को लिक्विड में बदलो। हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या होता है? एक मोल लिक्विड को गैस में। हीट ऑफ सब्लिमेशन मतलब क्या? एक मोल सॉलिड को गैस में, बस। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में, हीट ऑफ हाइड्रेशन में एक मोल पहले रहेगा, एक मोल रहेगा एनहाइड्रेट साल्ट, उसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिला के हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनाते हैं, तो एक मोल चाहिए हमको, तो एक मोल देखो एक मोल है ना, है डेल्टा एच नेगेटिव, यानी हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, एक मोल है एक मोल कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रेट साल्ट है, उसमें हमने पानी बना दिया उसका, डेल्टा एच नेगेटिव, बस। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे देख रहे हो तुम एनहाइड्रेट से हाइड्रेटेड बना रहे हैं, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम देखो कॉपर सल्फेट है, उसमें तुमने पानी डाल के उसको एक्वस बना दिया, यहाँ पे साल्ट से
हाइड्रेटेड कर रहे हो, रेट ऑफ हाइड्रेशन है, यहाँ पे एक मोल सब्सटेंस को इतना उसमें पानी मिला रहे हो ताकि फर्दर कोई भी सॉल्वेंट डिजॉल्व, इतना मतलब उसमें सॉल्वेंट डाल दे रहे हो ताकि फर्दर कोई सॉल्वेंट उसमें डिजॉल्व ना हो पाए, उसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 CuSO4 है, CuSO4 डेल्टा एच, बिल्कुल सही बात है। CuSO4 में पानी पहले से ही है, लिक्विड तुमने मिलाया और सॉलिड बनाया, इसका मतलब हाइट ऑफ पार्टीशन देख लो ऊपर, वही तो है यार। मतलब तुमने पानी मिला दिया, क्रिस्टल बना दिया, क्रिस्टल मतलब 5H2O, 7H2O, 6H2O, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। लेकिन अगर तुमने एक्वस बना दिया तो हीट ऑफ सॉल्यूशन होगा, बस वही तो चीज़ है। देखो एक्वस बना हीट ऑफ सॉल्यूशन, हाइट, और ये क्रिस्टल बनाया तो, क्रिस्टल बनाया तो हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो हमेशा एक्जोथर्मिक होगा, जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो हमेशा इंडो और एक्जो दोनों होगा। तो तुम लास्ट में एक जगह पे लिख लेना कि कौन सा दोनों होता है, कौन सा एक जो होता है, बाकी इंडो तो अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक मोल गैसियस बॉन्ड को गैसियस एटम में तोड़ दो, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक मोल है, 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 उसको तोड़ दिया। देखो आयन में तोड़ दिया, गलत हो गया, आयन में नहीं तोड़ना है, गैस में तोड़ना है। देखो आधा मोल हो गया, गलत हो गया। एक मोल Cl है, उसको गैसियस एटम में तोड़ना है ना, गैसियस एटम में तोड़ना है, तो हाफ एस टू, हाफ सी एल टू करोगे तो ऐसे टूटेगा नहीं, गैसियस एटम में मतलब उसको तोड़ देना है, हाफ एस टू ओ टू ना आए, सिंपल सा आए, एच आए, सी एल आए, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने मतलब ऐसे किया कि हाफ एस टू कर दिया, तो एस टू तो हमारा गैस एटम नहीं है ना, एस टू तो मॉलिक्यूल है, हमको एटम में चाहिए। तो वही लिखा है बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, वन मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड, गैसियस एटम, डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। अभी जब क्वेश्चन करोगे तो चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, देखो फिर बाइंडिंग एनर्जी प्रेडिक्ट करते हैं, तो तुम्हें दिखा होगा कंबसन और ये बॉन्ड एन्थैल्पी या हीट डिसोसिएशन, बॉन्ड एनर्जी, बस इन्हीं दोनों केस में रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट करते हैं, बाकी सब में प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऊपर बताया था, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड अपन नंबर बॉन्ड, देखो लेवेजियर और लाप्लासे, ये बोलते हैं अगर सी प्लस ओ टू सी ओ टू है, डेल्टा जितना है, तो उसको उल्टा करोगे तो प्लस में हो जाएगा, निगेटिव का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, और तुमने रिएक्शन को, रिएक्शन में कोई चीज़ प्लस में है उसको तुमने रिवर्स किया तो माइनस में हो जाएगा, यही बोलते हैं लेवेजियर और लाप्लास। तो सॉरी यहाँ पे 94 था माइनस में, रिएक्शन उल्टा किया प्लस में हो गया। हेसला क्या कहता है कि ए से बी में अगर डेल्टा एच है, तो चाहे तुम सी के थ्रू जाओ चाहे तुम डी के थ्रू जाओ, डेल्टा एच बराबर है, जैसे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाओगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर, डेल्टा एच फाइव हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच, यानी कि जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू बराबर होगा, यहाँ पे डेल्टा एच थ्री डेल्टा एच फोर डेल्टा एच फोर होगा, यानी कि बराबर होगा, यानी कि ए से बी चाहे इस रास्ते जाओ उसका हीट बराबर होगा, चाहे ऐसे से घूम के जाओ इस पर जितना हीट लगेगा दोनों बराबर होगा, वही लिखा हुआ है। यानी कि हीट चेंज स्टेप पर डिपेंड नहीं करता, इंटरमीडिएट पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, टाइम ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। हीट ऑफ कंबसन और बॉन्ड एन्थैल्पी के लिए प्रोजेक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, बाकी सब में तो हम पता ही है। H2O लिक्विड का H2O वेपर से ज़्यादा होता है, डेल्टा एच मोर नेगेटिव होता है, H2O लिक्विड का डेल्टा एच मोर नेगेटिव होता है H2O वेपर से। तो ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। आज शाम में मैं ट्राई करूँगा कि सॉल्यूशन चैप्टर का सारा कुछ खत्म करवा दूँ, सारे क्वेश्चंस मैं निपटा दूँ, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स और ये थर्मो, इसका कल करा दूँगा। 11 या 12 से अपना फिजिक्स अपना स्टार्ट करेंगे, 9, 10, 11 को मेरा कैंप है NMO में, तो हो सकता है इस दिन मैं बिजी रहूँ तो कैंप वगैरह लगेगा, तो लेकिन 12 से अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फिजिक्स की, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेडिको होली कभी चैनल का नाम है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेडिको होली कभी हमारा ज्वाइन करो PDF नोट्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीट अवतार सिंह को फॉलो कर लो फिजिकल में, और फिजिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तुमको पेपर वाले दिन में दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहो, टाइम लगता है बनाने में सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी तो इसलिए वीडियो आने थी, कल तो तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी। तो चलो मिलते हैं ना शाम को, ठीक है, थैंक यू।